भारत सरकार के स्वामित्व वाली BSNL की हो गई बल्ले बल्ले। जियो एयरटेल और वोडाफोन ने कुछ ऐसा ही किया जिससे BSNL की चांदी हो गई। नमस्कार, मैं हूं शारदा सिंह आपके साथ और आप देख रहे हैं दी कंट्रा। दरअसल जियो एयरटेल और वोडाफोन ने हाल ही में अपनी रिचार्ज प्लान्स की कीमत को काफी ज्यादा बढ़ा दिया, साथ ही कई प्लान्स को लिस्ट से हटा भी दिया गया है। इसमें बहुत सारे ऐसे प्लान्स भी थे जिनसे यूजर्स काफी पसंद करते थे। यही वजह है कि बहुत सारे लोगों ने परेशान होकर सरकारी कंपनी BSNL की ओर अपना रुख कर लिया। दरअसल मोबाइल के बिना आज के इस डिजिटल युग में रह पाना अब संभव नहीं है। चाहे छात्र हो या मजदूर, रेडी वाला हो या ठेला वाला, दुकानदार हो या कोई आम व्यक्ति, हर किसी को मोबाइल चाहिए। ऐसे में जियो, एयरटेल, वोडाफोन जैसी निजी कंपनियों ने 3 जुलाई से मोबाइल रिचार्ज प्लान की कीमत में 20 से 25 फीसदी की बढ़ोतरी कर दी है, तो लोगों को एक बार फिर BSNL की याद आने लगी। जी हाँ, निजी कंपनियों के मोबाइल रिचार्ज की रेट बढ़ाने से आम लोग परेशान हैं, खासकर निम्न आय वर्ग के लोग। ऐसे में मोबाइल उपभोक्ता अब सस्ता प्लान देने वाली सरकारी कंपनी जैसे कि भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि BSNL की ओर रुख कर रहे हैं। दरअसल BSNL के कार्यालय में अपना नंबर पोर्ट कराने वाले लोगों की भीड़ जुट रही है। इनमें निम्न व मध्यम वर्ग के लोगों की संख्या अधिक है। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए दी कंटाप। शुक्रिया।